नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमि पुत्र के इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसको सोचकर समझकर सुनकर आप खेती में काफी अच्छे नए परिवर्तन ला सके और अपनी खेती में जो आप आय कमा रहे हैं उस आय को कहीं ना कहीं बढ़ा सके। किसान साथियों, हाल ही में मैं जिस फील्ड में अभी बैठा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हमने लहसुन लगा रखा है। लगभग 4 बीघे का इसमें लहसुन लगा हुआ है और ये मैं जहाँ जगह पर बैठा हूँ ये मालवा की जगह है। तो किसान साथियों, इस फील्ड को हमने कब लगाया था या इस फसल को हमने कब लगाया था, साथ ही साथ इसमें अभी तक हमने क्या क्या प्रोसेस कर ली है, इसमें हम आगे क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं पहले, कई क्रिएटर के जो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाते हैं, मगर किसान साथियों हमने कुछ नई तरीके से वीडियो बनाया। इसमें जब मैंने खेती में वो सारे काम किए हैं तो उन सारी वीडियोस की क्लिप भी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। हम लगभग 5 से 6 पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिनको देखकर आप काफी अच्छी तरीके से लहसुन की खेती में बदलाव ला सकेंगे। तो खेती में एक प्राथमिक जो कार्य किया जाता है उसको भूमि की तैयारी कहा जाता है या मिट्टी की तैयारी कहा जाता है, खेत की तैयारी कहा जाता है। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी हमने किस तरीके से की थी उसकी आप थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे फील्ड देख पा रहे हैं, इस फील्ड में रोटावेटर चल रहा है। अब रोटावेटर यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि आप ट्रैक्टर शायद आपको इस पॉइंट पर दिख रहा है। तो किसान साथियों, इसका मैं बैक वीडियो भी दे दूंगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे, जो हमारा खेत है, इस खेत में हमने नॉर्मल जुताई करी है, हल्की जुताई करी है, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करी है। गर्मी के टाइम पर आप अच्छी जुताई कर सकते हैं, मगर बारिश का जो आपका मौसम आता है उसके बाद आप लहसुन को लगाते हो तो आपको हल्की जुताई करना है। हल्की जुताई आप 2 बार कर सकते हैं, उसके बाद आपको रोटावेटर कर देना है। जैसा कि आप रोटावेटर देख पा रहे हैं, मैं बैक कैमरे से भी आपको यहाँ पर वीडियो बता दूंगा। तो हल्का आपको रोटावेटर करना है, जैसा कि आप इस फील्ड पर देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रोटावेटर से जरूरत से ज्यादा बारीक भी हमने यहाँ पर इसको नहीं किया है। तो किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा, उस रोटावेटर की जो मैंने अभी वीडियो डाली थी इसी फील्ड की, जैसा कि आपने टावर देख रहे हैं आप, ये टावर लगा हुआ है, यही फील्ड है। इसके अलावा हमको आपको 100% ये रियल वीडियो मिलने वाला है। आप ये देख लीजिए, इसी फील्ड पर रोटावेटर चल रहा था और साइड में अदरक भी लगा हुआ है हल्का सा। तो किसान साथियों, 100% रियल वीडियो होने वाला है। हम बिल्कुल भी यहाँ पर आपको मिसगाइड नहीं करेंगे और जो चीज़ें वाकई में हैं हम बताने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, आपने देखा है उसमें कि यहाँ पर खेत में एक रोटावेटर चल रहा था और रोटावेटर से काफ़ी अच्छी जो हमारी मिट्टी होती है, जो मिट्टी की गांठें होती है, मिट्टी के जो पत्थर होते हैं, वो अच्छे तरीके से टूट रहे थे। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते वक्त आपको ध्यान रखना है, लहसुन की अगर आप खेती करते हैं तो उसमें आपको ये बातें ध्यान रखना है, 20 से 25 टन तक गोबर की खाद उसमें डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। और आपको उसके बाद रोटावेटर की सहायता से आप पहले हल्की जुताई करें, फिर गोबर की खाद डालें, और अगर आप हो सके तो सिंगल सुपर फास्फेट की लगभग 2 बोरी आप प्रति एकड़ पर डाल दें। लगभग 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट SSP फॉर्म में आता है, जैसा कि आप फोटो में बैग की फोटो देख पा रहे हैं, तो उसको भी आप डाल सकते हैं और आप उसको रोटावेटर की सहायता से अच्छे से मिक्स अपनी जमीन में कर पाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो क्लिप में देखा है कि हमने किस तरीके से मिट्टी की या भूमि की तैयारी करी थी और उसमें क्या क्या बेसल डोज डाला था, किसान साथियों मैंने हर वीडियो में आपसे एक लाइन कही थी कि सुबीजम सुक्षेत्र जायते संप्रदायते, यानी कि एक अच्छे बीज से आप अच्छी फसल की उत्पत्ति ले सकते हैं, अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मगर किसान साथियों, बीज तो आप अच्छा चुनाव कर लेते हैं, मगर उसमें आपको एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप जो भी बीज लें तो उस बीज का बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई जो बीमारियां होती है मिट्टी जनित होती है और कई बीमारियां होती है जो फंगस जनित होती है, तो उनको पहले से हम कंट्रोल करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसी को हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं या उसको हम बीज उपचार कहते हैं। किसान साथियों, मैंने इस फील्ड के लिए जो लहसुन का बीज तैयार करा था, मैंने किन केमिकल से उपचारित किया था उसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी क्लिप वहाँ पर बना रखी है। किसान साथियों, मैं भी आपकी तरह किसान हूँ और मैं भी खेती करता हूँ, तो खेती करते वक्त मैं कुछ वीडियो क्लिप बनाकर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएँ और आप साक्षात साक्ष्य देख पाएँ कि आखिर जो हम बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो मैंने बीज उपचार करा था उस बीज उपचार की आप वीडियो देख लीजिए।
प्राथमिक जो हम उर्वरक साथ में डाल रहे हैं तो बेसल डोज उसे हम कहते हैं, तो किस तरीके से डाला जा रहा है वो भी आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डीएपी का बैग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो मैं डीएपी इसमें साथ में ऐड करने वाला हूँ। का जो बीज है उसको हमको उपचारित कर लेना जरूरी है। आप यूपीएल के साफ पाउडर से भी कर सकते हैं, आप थायमिथोक्स से भी कर सकते हैं जो कि मैंने करा है, जेलोरा से भी कर सकते हैं, बीएसएफ का काफी अच्छा प्रोडक्ट आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो किसान साथी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं फील्ड पर आ गया हूँ, और इस साइड जो अदरक है इसकी खेती भी आपको चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने लगाया है। पूरी एक्सवाइजेड जानकारी हम पूरी तरीके से खेती करते हैं और किसानों के लिए 24 घंटे हम उपलब्ध हैं। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, साथ ही साथ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों बिना किसी हिचक के आप कमेंट करिए। ये जो प्याज की आप देख पा रहे हैं नर्सरी यहाँ पर डली है, तो ये भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, अदरक के पास डली हुई है। तो किसान साथियों अब प्याज की भी पूरी खेती आपको मिल जाएगी, तो आप जुड़े रहें हमसे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान साथियों जैसा कि आपने बीज उपचार की वीडियो में देखा है कि मैंने वहां पर थायमेथोक्सम से बीज को उपचारित किया था जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, उसकी आपने बोतल भी देखी है। अब वहां पर जो मैंने बोतल बताई है मैं बिल्कुल भी उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस चैनल पर किसी भी प्रोडक्ट का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करता हूं। ये जो चैनल है सिर्फ किसानों के लिए चैनल है और किसान अच्छी तरीके से समझ कर अपनी आय बढ़ा सके इसी बात पर हम हमारा फोकस रखते हैं। तो किसान साथियों मैंने किस तरीके से उपचारित कर रखा है आप समझ पाए होंगे। किसान साथी अब थायमेथोक्सम से जो उपचारित किसान साथी अब थायमेथोक्स से उपचारित तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जेलोरा से उपचारित कर सकते हैं, मगर इस बार हमने थायमेथोक्सम से उपचारित करा है क्योंकि ज़ेलोरा एक फंजीसाइड और थायमेथोक्सम जो होता है वो एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो किसान साथियों काफी अच्छी तरीके से हमने सीड ट्रीटमेंट करा था जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो या इस क्लिप के बाद हम अगले क्लिप देखते हैं कि जब हमने बीज तैयार कर लिया था तो उसकी बुवाई हमने किस तरीके से की थी। यहां पर आप पूरी फील्ड देख पा रहे हैं, रोटावेटर होकर पूरा खेत हमारा समतल है। तो किसान साथी यहाँ पर सीड ड्रिल का भी काम चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी सीड ड्रिल से लहसुन लग रही है और काफी व्यवस्थित तरीके से मैं आपको पास से भी बताऊंगा। तो किसान साथियों जैसा कि हम जानते हैं हर किसान का एक लक्ष्य होता है कि एक बीज से वो अच्छी फसल बनाए और अच्छी फसल बनाकर उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लें। तो किसान साथियों जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, उस वीडियो क्लिप में देखा कि हम सीड ड्रिल या प्लांटर की सहायता से लहसुन की बुआई कर रहे थे, और वह जो वीडियो था वो वीडियो क्लिप था वो 31 अक्टूबर का था, और आज का जो वीडियो बन रहा है आज 21 तारीख है, आज 21 तारीख नवंबर की है, और आप 20 दिन की पौध देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। तो किसान साथियों मैं आपको जूम करके भी इसको बता देता हूं, यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं मेरे हाथों से ही जूम कर देता हूं। तो किसान साथियों यहां पर इसकी जो आपको रूट देखने को मिल रही है और आपको यहां पर तना देखने को मिल रहा है, और लगभग 20 दिन की ये फसल है। और जैसा कि आप यहां पर एक चीज और छोटी सी नोटिस करिए कि मैंने जिसको थायमेथोक्सम से उपचारित करा था तो इसका आपको रेड कलर भी देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों कंद पर बिल्कुल भी ऐसा कलर नहीं आएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। ये एक इंसेक्टिसाइड है जो जड़ में लगी हुई कुछ बीमारियां होती है जैसे कि वाइट गर्भ होता है और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। मैं आपको कभी इंसेक्ट के ऊपर मैं समझाऊंगा तो मैं आपको पूरी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से कीट होते हैं जो कि जो आपकी फसल होती है उसमें रूट से उसको परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रोकने का एक कारण बनते हैं। तो किसान साथियों उस क्लिप में आपने जैसा कि देखा कि हम प्लांटर की सहायता से तो हम बीज को लगा सकते हैं, साथ ही साथ कई किसान हाथों के माध्यम से भी लहसुन की बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं। तो किसान साथियों उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, मगर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और किसान साथियों मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं कि जो हम लहसुन की बुवाई ड्रिल से करते हैं उसकी अपेक्षा जो हम हाथ से बिजाई करते हैं उसमें प्रोडक्शन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, मगर मैं जिस एरिया में हूं वहां पर थोड़ी सी लेबर की समस्या आती है, इस वजह से हम इसकी जो बिजाई होती है बुवाई होती है वो ड्रिल के या प्लांटर के माध्यम से करते हैं। तो अगर आपके पास जो मजदूर है उनकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है
है, और आपके यहाँ पर अगर कम मजदूरी लगती है या कई किसान जो फीट से होते हैं फीट से भी बुआई करवाते हैं, तो आप उस तरीके से भी बुआई करवा कर काफी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप पूरी वीडियो देखकर समझ पाए होंगे कि मैं भी आपके तरह ही किसान हूं और मैं भी खेती करता हूं, ये फील्ड में जितने भी काम हुए उन हर काम में मैं यहां पर खड़ा रहा हूं, और हम फील्ड किसी का भी विजिट करते चाहे अपना करें, हम किसी और किसान के पास जाते हैं तो उनका फील्ड विजिट करते हैं, तो हम गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हुई है जिस गलती को हमें अगली बार में अगला जब हम ये फसल लेने वाले हैं वापस डबल से लहसुन की, तो हमको उन गलतियों का ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, हमने जो पहली गलती पकड़ी थी उसका क्लिप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपनी जो फसल है उसमें हमेशा ध्यान रखें कि अगली बार कौन सी गलती ना हो। तो जब हम प्लॉट विजिट कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर कि कुछ लहसुन के बीज हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबे ही नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरा बीज तीसरा बीज, तो कुछ जगह पर हमको ये समस्या देखने को मिली है प्लॉट में। तो किसान साथियों, आप इसको ज़रूरी ध्यान दें, आपकी जब सिंचाई होती है पहली सिंचाई हो जाती है, उसके बाद पहली सिंचाई होने के बाद जब मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी बनी रहे तब आप इसको पैर के अंगूठे से चलते चलते भी दबा सकते हैं, हाथों की सहायता से भी आप दबा सकते हैं। साथियों, आपने पूरी वीडियो में बहुत सारी क्लिप देखी है जो मैंने काफी व्यवस्थित तरीके से क्लिप बनाई है। तो किसान साथियों, वहां पर कई किसानों का एक सवाल आएगा कि हमने सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से की है। तो किसान साथियों, हम मालवा के क्षेत्र में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्लैट सिंचाई होती है लहसुन में, हम किसी भी प्रकार की ड्रिप नहीं लगाते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर ड्रिप आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, अगर इसमें सिंचाई करते हैं तो कैसे करते हैं, आप नॉर्मल सरफेस देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, अब हम मालवा के क्षेत्र में तो इसको पाटिया बांधना कहते हैं, अब आपके इसमें आप ब्लॉक बनाना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो इस तरीके से ये 5 फीट की डिस्टेंस है इस रो से इस रो तक की, जैसा कि आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं ये मिट्टी की रो है। अब इसके बीच में फ्लैट सिंचाई होती है, और ये जो सिंचाई हो रही है उसका वीडियो भी यहाँ पर मैं क्लिप में एड कर रहा हूँ कि हमको किस तरीके से सिंचाई करना है। अब किसान साथियों, आपको सिंचाई में यहाँ पर एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है कि हम जब प्लांटर की सहायता से हाथ की सहायता से बिजाई जब करते हैं, तो उस बिजाई के बाद आपको जो पहली सिंचाई करना है उसमें आपको लगभग 6 से 7 ब्लॉक में एक साथ पानी चलाना है। आप एक साथ बिल्कुल भी ब्लॉक में पानी न चलाएं, क्योंकि जो हमारी लहसुन होती है वो अधिक गहरी बिजाई नहीं होती है, लगभग हम 1 इंच से 1.5 इंच समझ सकते हैं, और कई लहसुन तो उस प्लांटर से ऊपर भी गिर जाती है। तो वह जो लहसुन होती है वो एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाएगी, जिससे हमारी जो फसल होती है या जो हमारी फील्ड होती है वो खराब हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी 4 से 5 आपको सेक्शन में 4 से 5 ब्लॉक में आपको उसको चलाना है। साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आप, हमने 31 अक्टूबर को यह फसल लगाई थी, लहसुन का ये खेत है, और मैंने आपको यहाँ पर लैंडमार्क बताया था, टावर वाला खेत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वही खेत है इसमें हमने लहसुन से ड्रिल से लगाई थी, प्लांटर से लगाई थी। तो इसमें अभी फिलहाल सिंचाई चल रही है, तो यहाँ पर इसमें तीसरी सिंचाई चल रही है, जिसमें हमने जो पहले 2 पानी दिए थे वो कंटिन्यूसली दिए थे, यानी कि हाँ चौथे दिन हमने वापिस पानी दिया था, चौथे और पांचवें दिन हमने वापिस पानी दिया था पहला पानी देने के बाद, क्योंकि जब अंकुरण होने लगता है लहसुन का तो उसमें मिट्टी की जो सतह होती है वो काफी ज्यादा कड़क हो जाती है एक बार सिंचाई होने के बाद, तो जो अंकुरण होता है तो वो ऊपर नहीं निकल पाता, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बीज एक खराब हुआ हुआ मैं बता रहा हूँ उससे। तो यहाँ पर जो ये अंकुर होता है इसका, जहां से इसका अंकुरण होता है तो वहां से निकल नहीं पाता है, तो इस वजह से हमको हाथों हाथ एक पानी और देना पड़ता है, तो उसको हम मालवा की लैंग्वेज में गारवान भी कहते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर अब तीसरी सिंचाई हो रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पौधा, आप आसानी से अपने कैमरे में देख पा रहे हैं, अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, ये 20 दिन का पौधा है, ये 20 दिन का प्लांट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो किसान साथियों, जो हमारे चैनल का मेन मकसद है उसमें हर किसान ये जान सके कि लहसुन की खेती को कितनी आसान तरीके से किया जा सकता है। किसान साथियों, हम मालवा के क्षेत्र में तो लहसुन की खेती करते हैं, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है, मगर कई किसान इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मिंग समझते हैं, जैसे कि आपकी प्याज की खेती हो गई है, लहसुन की खेती हो गई है, अदरक की खेती हो गई है, उसके साथ साथ और भी कुछ खेती है जो कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है किसानों को, जैसे अलसी की खेती हो गई, कलौंजी की खेती हो गई है, आने वाले टाइम पे मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो किसान साथियों, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।